आइसक्रीम जो स्वादिष्ट है, सेहतमंद है और बनाने में आसान है। पेश है 4 होममेड आइसक्रीम रेसिपीज बगैर ज्यादा कैलोरीज ऐड किए। आमंड मिल्क एक बढ़िया बेस है। थोड़ा सा आमंड मिल्क ब्लेंडर में डालें। क्रीमीनेस के लिए थोड़ा आमंड बटर डालें। थोड़ा सा गुड़, आप इसकी जगह अपने पसंद का कोई भी स्वीटनर डाल सकते हैं। थोड़ी स्वादिष्ट और ताजी स्ट्रॉबेरीज डालें। अगर ये मीठी हो तो गुड़ की मात्रा एडजस्ट कर ले। इन सब को एक साथ ब्लेंड करके आमंड शेक बना ले, जो खुद ही में एक कमाल है, और इसे आइस क्यूब ट्रे में भी डाल सकते हैं। कुछ घंटों के लिए फ्रीज करें। इसके बाद आपको ऐसे प्यारे आइस क्यूब्स मिलेंगे, जो आप शानदार सिल्की आइसक्रीम में ग्राइंड कर सकते हैं। इस हेल्दी चॉकलेट बनाना आइसक्रीम को बनाने के लिए हम 3 केले छिलेंगे और उन्हें फ्रीजर में कम से कम 6 घंटे या पूरी रात रखेंगे। याद रहे, आपके केले जितने पके हुए होंगे उतनी ही मीठी आपकी आइसक्रीम होगी। एक बार जम जाने के बाद आप कोको पाउडर और पीनट बटर डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक या रेगुलर दोनों चलेंगे। एक चुटकी नमक और थोड़े से चॉकलेट चिप्स। इन सभी को एक साथ मिला लें। इसके लिए एक स्टर्डी ब्लेंडर इस्तेमाल करें। इसे फ्रेश सर्व करें। ये 3 सामग्रियों वाला सबसे आसान वर्जन है। हम फिर से जमे हुए केले से शुरू करेंगे, उसके बाद पीनट बटर और मुट्ठी भर अखरोट। इन सभी को ग्राइंड कर ले और आपकी शानदार बनाना पीनट बटर आइसक्रीम तैयार है। हमारी आखिरी रेसिपी भी एकदम मजेदार है। थोड़े से आमंड मिल्क से शुरू करें। आप फ्लेवर्ड आमंड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फ्लेवर और मिठास पहले से होगी। इसमें डालें थोड़ा सा आमंड बटर, उसके बाद थोड़ा गुड़, एक चुटकी नमक, जरा सा वनीला एसेंस और आखिर में कुछ चम्मच इंस्टेंट कॉफी। आप चाहे तो एस्प्रेसो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ब्लेंड कर ले और मिक्सर को आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज करें। सेट हो जाने के बाद क्यूब्स को ब्लेंड करके क्रीमी बना ले। फ्लेवर्स बदल के अपने पसंद की आइसक्रीम बनाएं। उम्मीद है आपको आइसक्रीम के ये सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प पसंद आए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लैमरस।